हम लोग आए हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, आज है बीएससी एजी का एंट्रेंस एग्जाम। एग्रीकल्चर से आया था, सोशल सोयल साइंस से बेसी आया था। क्वेश्चन मतलब ज्यादा एग्रीकल्चर से ही थे। सही कितने की? सही लगभग 60-70। प्रिपरेशन कहाँ से की थी आपने? सर टारगेट दिल्ली से। ये बताइए आपको पेपर कैसा गया? पेपर बहुत अच्छा गया। आपने भी शाम को जो कराया था टेस्ट सीरीज, हाँ। उसमें काफी क्वेश्चन मिले हमें। क्या देखिए पेपर भी मैंने लिया। अरे सर जी क्या नाम है आपका? एकता राय। बहुत ही ज्यादा मेरे को लग रहा है ना कि टारगेट गुरुकुल बेस्ट है। अच्छा सर, मेरे तो 85 प्लस सही ही होंगे। तो किया था जी टारगेट जलवा रहा। टारगेट गुरुकुल देखती हूँ, उसी से कैसा रहा? अच्छा गया। चलिए आपके जो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हैं, काउंसलिंग में फिर मिलेंगे। अब बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कहना। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपके टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है हम लोग आए हैं आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, आज है बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए स्टूडेंट से जानते हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को दिया है, तो उनसे जानते हैं कैसा क्या उनका पेपर रहा है। आकृति श्रीवास्तव। पेपर कैसा गया? अच्छा गया। पेपर मतलब किस तरह से आए थे, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन थे? पेपर ज्यादा इकोनॉमिक्स थे और हॉर्टिकल्चर से थे। मतलब कुल मिला जुला की आपकी पेपर जो है 2023 का पेपर सही था? हाँ ठीक था। हाँ, आपका पेपर कैसा गया? मेरा अच्छा गया। कितने क्वेश्चन लगभग सही होंगे? मेरे कम से कम 80 तक सही होंगे। मतलब कुल मिला जुला के हम लोग कह सकते हैं जो आपके 2023 के पेपर थे ये सिलेबस से थे, है ना? सिलेबस से थे, जनरल चीजें। अच्छा जनरल चीजें। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपका सिलेक्शन होगा, फिर भी हम मिलेंगे काउंसलिंग में इसी जगह पे। मैं आपका पंकज। पंकज, अच्छा पंकज जी ये बताइए कि आपका पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? बायोलॉजी से था और ज्यादातर एग्रीकल्चर से था। अच्छा एग्रीकल्चर से था। अच्छा ये जो हमने ओंकार सीरीज चलाई थी लास्ट में, क्या जलवा रहा इसका? इसका अच्छा रहा। अच्छा ये जो प्लेलिस्ट थी इसका क्या जलवा रहा? इसका भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप किस सब्जेक्ट से देखे? एग्रीकल्चर में कैसे हॉर्टिकल्चर से शायद था। अच्छा हॉर्टिकल्चर से। मतलब कुल मिला जुला की आपकी जो पेपर आए थे एग्रीकल्चर से टोटल थे 100 के 100। कुछ दो चार क्वेश्चन छोड़ दीजिए। हाँ कुछ देखिए, कोई भी अगर आप पेपर देने जाते हैं दो चार क्वेश्चन जरूर जनरल से आते हैं, वो जनरल चीजें आपको जाननी चाहिए। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब है जो छात्रों का रिव्यू रहा है वो अच्छा रहा है, पूरा एग्रीकल्चर से क्वेश्चन उठे हैं आपकी बारी। तो चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपका सिलेक्शन। क्या नाम है आपका? एकता राय। एकता राय मतलब हाँ एकता राय, आपका पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। देखिए पेपर भी मैंने लिया। पेपर लिया आपने? ये रहा सॉल्व। अच्छा ये बताइए जो पढ़ाए गए थे उनसे क्वेश्चन मिले थे? बहुत ही ज्यादा मेरे को लग रहा है ना कि टारगेट गुरुकुल बेस्ट है। अच्छा अच्छा मतलब आपके जो जो आपने पेपर किया है उसमें कितने लगभग सही होंगे? मेरे को लग रहा 70 प्लस होंगे। मतलब इनके कहने का मतलब है जो टारगेट गुरुकुल है उससे ज्यादातर क्वेश्चन जो है मिले हैं और इनका जो है 70 प्लस जो है क्वेश्चन सही है ना? चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। और आपको भी 70 के फॉलोअर्स हो गए जो सब्सक्राइबर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पल्लवी। पल्लवी ये बताइए आपका पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा मेरा गया, मैं तो 45 मिनट पहले बना दी। 45 मिनट पहले? देखिए छात्रों का ऐसा इतना अच्छा रिव्यू रहा कि जो बच्चे हैं वो 45 मिनट में ही क्वेश्चन कर ले रहे हैं, 100 के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका मेन चीज यही है कि नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से। ये बताइए कि आपने कितने सही होंगे आपके? सर मेरे तो 85 प्लस सही ही होंगे। 85 प्लस, इसका सीधा सा कारण दिख सकता है ओंकार सीरीज। आपने ओंकार सीरीज फॉलो किया था जी? टारगेट जलवारा, टारगेट गुरुकुल और मालवीय एकेडमी दो है। अच्छा। जो मैं देखती हूँ उसी से मैं इसके बारे में सुनी और मैं फॉर्म भरी, मैं एग्जाम दी। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, सिलेक्शन होगा फिर आपसे मिलेंगे। ओके थैंक यू। मैं बिहार से आई हूँ। थैंक यू। मतलब सेम नेम है मेरा भी, दीपक मेरा भी नाम है, दीपक इनका भी नाम है। दीपक जी ये बताइए आपका पेपर कैसा गया? पेपर बहुत अच्छा गया। आपने भी शाम को जो कराया था टेस्ट सीरीज, उसमें काफी क्वेश्चन मिले हमें। मतलब ये जो फोर्थ टेस्ट सीरीज थी लास्ट में अभी हमने कराया दो दिन पहले, इसका क्या चल रहा? जलवा तो बिल्कुल नंबर एक रहा, धुआंधार। हाँ। आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके ही बिल्कुल संस्था से आए। मतलब ये जो ओंकार सीरीज था इससे भी क्वेश्चन आए? हाँ, इसमें ज्यादा ज्यादा 12-15 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे केवल ओंकार सीरीज से। अच्छा तो एनिमल हस्बेंड्री का एक भी क्वेश्चन में नहीं था। हाँ मतलब इस पेपर में एक भी क्वेश्चन, मतलब इसमें जो पेपर आया था इसमें एनिमल हस्बेंड्री के कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे। मतलब कहाँ से क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन ज्यादा एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर और दो क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी आए थे।
दो तीन क्वेश्चन तो इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि कुछ जनरल चीजें होती हैं तो वो आ सकती हैं। बाकी केमिस्ट्री भी जो है सॉइल केमिस्ट्री होती है, वहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। सॉइल केमिस्ट्री में 10-12 क्वेश्चन बिलोंग हुए थे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपका सिलेक्शन होगा। जुड़ चुके हैं तो आपका पेपर कैसा गया? बढ़िया गया। मतलब कितने क्वेश्चन आपने किया और कितने सही होंगे? लगभग सर लगभग 105-10 के सही हो जाएंगे, मतलब 105-10 नंबर आ जाएंगे। अच्छा, मतलब इनके कहने का मतलब है जो इनके 105 या 10 नंबर आ जाएंगे, यही ना? आपने कहाँ से तैयारी किया? टारगेट गुरुकुल से। तो क्या रहा ये हुमका सीरीज का जलवा क्या रहा? सर मैं पेड़ से लिया था ना। अच्छा, पेड़ बैच में भी तो हुमका सीरीज था। सर वो बढ़िया था ना? बढ़िया था। ये जो लास्ट में टेस्ट हुआ था फोर्थ टेस्ट, ये आपने दिया? हाँ सर, इससे ज्यादा क्वेश्चन लड़ा था। मतलब बच्चों का कहना है कि जो फोर्थ टेस्ट लिया गया था इससे ज्यादातर क्वेश्चन लड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सामी सराज, ये बताइए जो क्वेश्चन आए थे किस सब्जेक्ट से ज्यादा आए थे? आया था एग्रीकल्चर से आया था, सोशल साइंस सोयल साइंस से वैसे आया था। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पता हो? हाँ। कौन सा क्वेश्चन? बहुत नॉर्मल था, गेहूं का वनस्पति नाम क्वेश्चन था। अच्छा, देखिए, मतलब जो पेपर था ये कह सकते हैं इजी था। यही ना? इजी का मतलब जो है जो पेपर थे ये इजी थे, इसका मतलब जो है कटाप जो है ऊपर जा सकती है। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे? 80 को किए, 10 को 50% जानते थे, 50% नहीं जानते थे, 10 को मान लिया। हाँ, मतलब तुक्का भी लगा के आए हैं। इसका मतलब ये है कि निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से इन्होंने 100 का 100 अटेम्प्ट किया, यही ना? हाँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपका सिलेक्शन होगा, फिर मिलेंगे काउंसलिंग में किसी जगह पे। थैंक यू सर, आपका यूट्यूब चैनल पे पढ़ने के लिए आप बहुत हमारे ऑनलाइन क्लास की अभी 2 घंटा लाइव चलाएं। अच्छा, तो मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, टारगेट गुरुकुल गोरखपुर के लिए स्पेशलिस्ट है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। प्रकाश जी, ये बताइए आपका पेपर कैसा रहा? बढ़िया था। कहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर उठे थे? यही ज्यादातर फसल टाइप क्वेश्चन जो होता है ना। हाँ, फसल मतलब एग्रोनॉमी से की जनरल था ना, जो भी क्वेश्चन था बायोलॉजी था, और अधिकतर हम लोगों के जो केमिस्ट्री भी आई थी। नहीं, बायोलॉजी केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, लेकिन बायोलॉजी का अधिकतर क्वेश्चन था। और स्वागत है आपके टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आ चुके गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, आज है बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए बच्चों से जानते हैं कैसा क्या उनका पेपर रहा है, कैसा क्या इनक्योर रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? सत्यागिरी। कैसा पेपर रहा? बहुत अच्छा था, सिर्फ एग्रीकल्चर। कितने क्वेश्चन करके आए आप? पूरे सही। कितने किए? सही लगभग 60-70। प्रिपरेशन कहाँ से की थी आपने? सर टारगेट गुरुकुल से किया। टारगेट मतलब ओंकार सीरीज या फिर पेड़ बेच लिया था? बेच नहीं था सर, मैं वो ऑनलाइन क्लास से। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, बात से पढ़े हुए यार, फिर जाओ, आईडी था ना मेरा ही था। क्या नाम है आप लोगों का? चंदन कुमार। प्रियांशु। अच्छा, आप लोगों का पेपर कैसा रहा? बहुत मस्त गया है सर। अच्छा है, तब देखिए ये जो छात्र हैं ये सब हमारे पेड स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं किस तरह से पेपर आए थे, क्या सिलेबस से थे, क्या नहीं थे, क्या जो पेपर थे 2023 वाले सिलेबस से थे। यस सर, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर से। हाँ सर, मतलब बायोलॉजी मतलब जो ये कल्चर से ही था 90%। अच्छा, मतलब छात्रों का कहना है जो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी से ज्यादातर क्वेश्चन उठे हैं। और जो आपने कितना किया सर? 100 में 100 किए। 100 में 100 मतलब लगभग कितने सही होंगे? 70+ सही होने के चांस। 90+ जाएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर मिलते हैं, इंटरव्यू मिलेंगे आपका। ओके, तो ये आपने वीडियो में देखा बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों का रिव्यू, कैसा रहा आज का प्रश्न पत्र और कैसे आए थे प्रश्न, कितने प्रश्नों तक उन्होंने हल किया और कैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न थे, और टारगेट गुरुकुल की हुंकार सीरीज ने और पेड़ बैच ने कितनी मदद की। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।